नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। मैं आपके साथ योगेश शर्मा। आज हम मौजूद हैं पलवल के सेंट सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि यहाँ के जो 10 बच्चों ने जेईई मेंस में जो परीक्षा परिणाम पास किया है और अपने स्कूल का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन किया है, और आज हमारे साथ वहीं मौजूद हैं सेंट सीआर स्कूल के चेयरमैन सतवीर पटेल जी। बात करते हैं उनसे, क्या बधाई देना चाहते हैं बच्चों को। जी सतवीर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं 10 बच्चों के द्वारा जेईई मेंस में पास होने पर बच्चों के अभिभावकों को और स्टाफ मेंबर को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे अध्यापकों ने जिस तरह से बच्चों को बिना किसी बाहरी कोचिंग के स्कूल की पढ़ाई के द्वारा ही, पढ़ाई के दौरान ही उन्हें इस तरह से ट्रेन किया कि 10 बच्चे आईआईटी मेंस में पास होने में सक्षम रहे, ये विद्यालय के लिए बड़ी गर्व का विषय है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष तौर पर बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि वो एडवांस की और लगन के साथ तैयारी करें, जिससे एडवांस में भी सफलता हासिल कर सकें। जी पटेल जी, बात करें हम, जैसे कि 10 बच्चों ने जेईई का मेंस का जो परीक्षा पास की है, क्या लगता था आपको, इन ये बच्चे कामयाब थे उस टाइम आपने जब वो पढ़ाई करते थे, क्या उनके अंदर ऐसी लगन देखी आप लोगों ने? बच्चे लगनशील हैं, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बच्चों का प्रतिदिन पढ़ने का रिकॉर्ड रहा है, और एनुअल जो रिजल्ट आया है उसमें भी 2 बच्चों ने 97% अंक अर्जित किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि आईआईटी मेंस में भी हमारे बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, और उम्मीद अनुसार ही बच्चों ने प्रदर्शन किया। सर बात करें, कितने हाईएस्ट परसेंटेज जो बच्चों ने लिए आपके स्कूल की तरफ? इस परीक्षा में हमारा सागर बच्चा है जिसने 96.something% गिल किया है जी। और बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम रहा है जी। पटेल जी, बात करें बच्चों के अभिभावक की, उनका कितना सहयोग रहा होगा बच्चों के प्रति, और स्कूल के प्रति भी हम बात करें। अभिभावक बड़े सहनशील हैं, वो सदैव बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करते हैं, और तब भी हमें कोई ऐसी अभिभावकों की तरफ से ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें बुला करके हम उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, उन्हें विषय को के महत्व समझाते हैं, तो समझ करके बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट का परिणाम है, पेरेंट्स के सपोर्ट का परिणाम है कि बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए जी। सर बात करें, बेटियों ने भी कोई इस परीक्षा में पास किया है, बेटियों की हम बात करें तो? हाँ, इस परीक्षा में 10 में से 4 बेटियां हैं और 6 बेटे हैं जी। ऐसे अभिभावक कुछ कहना चाहते हैं जो अपनी बेटियों का आगे नहीं पढ़ाते, या कोई सुविधा नहीं होती गांवों में स्कूल की, 10वीं के बाद 10वीं बाद बैठा भी लेते हैं बेटियों को, ऐसे अभिभावक के लिए कुछ कहना चाहते हो आप? बेटियों को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बेटियां पढ़ेंगी तो कल अपने बच्चों को अच्छी तरह से वो शिक्षा देने में सक्षम रहेंगी, उनका होमवर्क कराने में भी वो बड़ा सहयोग कर सकेंगी। इसलिए मैं अभिभावकों से चाहूँगा कि वैसे भी हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि हर 15 किलोमीटर पर बेटियों के लिए कॉलेजों की व्यवस्था की है, तो अवश्य ही उन्हें ग्रेजुएशन लेवल तक तो अवश्य पढ़ाएं जी। सर कोई बच्चों से कोई अपील करना चाहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, और जिन बच्चों ने अभी जेईई की परीक्षा पास की है उनके उज्जवल भविष्य की कोई कामना करना चाहते हैं? बच्चों से मेरा विशेष यही अनुरोध है कि अभी 28 अगस्त को एडवांस की परीक्षा होनी है, उसमें दिन रात मेहनत करके उसकी तैयारी करें, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इन बच्चों को एडवांस में भी सफलता हासिल कराएं, जिससे इनका उज्ज्वल भविष्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सेंट सीआर स्कूल के चेयरमैन सतवीर पटेल जी। उन्होंने बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनको आगे के लिए जो एग्जाम आने वाले उनके लिए मेहनत करने के लिए उनको प्रेरित किया है उनके लिए, और भगवान से प्रार्थना की है कि वो आगे चल के वो सफल रहें अपने हर काम में। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।